Hey, how's it going, everyone? My name is Madip and welcome back, everyone, to my second channel. Guys, not your type. आज हम लोग दोबारा से इनके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं एंड मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ भाई, वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट गाय जो मैंने आज तक देखा है। इनकी एनिमेशन इतनी अच्छी होती है भाई, मुझे अच्छे तरीके से याद है लास्ट एपिसोड जब हम लोगों ने इनके ऊपर रिएक्शन दिया था, मैंने मेरी बहन ने भाई मर गए थे हंस हंस के यार, इतना ज्यादा फन किया था हमने। और आज हम लोग दोबारा से इनके कुछ बहुत ही ज्यादा फनी फनी क्लिप्स को देखने वाले, तो यू शाउट आउट टू हिम, हालांकि उनको शाउट आउट की जरूरत है नहीं। आई थिंक हम लोग उनके सेकंड चैनल क्लोज इनफ नाम का चैनल है, उसकी भी कुछ क्लिप्स को देखने वाले हैं, तो उसको भी बिग शाउट आउट मैन। तो गाइस बिना टाइम फॉर लेट्स बिगिन। ड्रैगन बॉल जी, ऑलराइट, ड्रैगन बॉल जी भाई, इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है क्योंकि इसमें हीरो और विलन आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे, 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा। ब्रो आई एम टेलिंग यू, एकदम सच्ची बात है, ये शो ऐसा था ना, इसमें हम लोग भाई फाइट का वेट कर रहे थे और भाई बंदे फाइट ही नहीं कर रहे, बातचीत में ही टाइम निकाल देते रहे आराम से, है ना, एक दूसरे को टीज करने में। बट एक बात है भाई, जो अपने डॉटर टाइप भाई है, जो मुझे खास में लगती है इनकी जो बोलने का स्टाइल है वो इतना ज्यादा फनी है ना, और ये जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, इसकी शक्ल देखो, गोकू को क्या बनाया है भाई, ऐसे करे पड़ोस की कोई ये गुस्से वाली आंटी है समझे। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक, इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता आज। okay. साथ निभाना सुपर सैयन में देखिए, गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी तो नहीं थी लेकिन अब हूँ, है ना ये खुशी की बात। भाई इतना दिमाग कैसे चल सकता है किसी का यार, ये बहुत इतना छोटा शॉट कितना फनी था यार ये वाला। बट यहाँ मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी पता क्या है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये चीज कि ये बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन यहाँ पे डोरेमोन का क्या काम है। मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी तो नहीं थी लेकिन अब हूँ, है ना ये खुशी की बात। हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे CID घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों गोकू, मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे माँ। ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट। लेकिन क्यों गोकू, मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या कल तो, ये साला डोरेमोन, ये है जो असली फसाद की जड़ है, इसी ने कुछ ना कुछ कांड किया हुआ यहाँ पे, तभी हंस रहा है पीछे से। एकदम से कैसे माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। ये कैसे कीड़े की तरह रेंग रही है यार, ओ माय गॉड दिस इज सो फनी यार। गोपी एसीपी पद्मन जी, बताइए आप क्यों आए हैं। गोकू मुझे पता चला ये आवाज काई की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी स्टूडियो से पिका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट भाई यार, प्रेग्नेंट कब हुई कल, सो गुड सो गुड, तालियां भाई तालियां। हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन ये सच है। क्या ये सरासर झूठ है, किसने कहा है आपको। देखो गोकू मैंने कहा ना मैं उसके बारे में कभी नहीं। तो चल के देख लीजिए लॉकर, आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है, दया दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर, अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। दया जरा इस फोटो का स्केच बनवाना, तो आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। व्हाट भाई, बात है यार, एक कंसेप्ट मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट को हर एक पॉइंट पे जो ऑन पॉइंट कॉमेडी है ना भाई, उसके साथ प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत सर। अच्छा भाई बहुत अच्छा। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है। व्हाट ये क्या क्या भाई इसने, ओ शिट डूड, मेरे एक तो रिएक्शन बहुत अजीब आती है, क्या चार्ट क्यों रहा है भाई, एसी प्रद्युम्न साहब को क्या हो गया भाई, ये चार्ट के इन्होंने पता लगा दिया है इसका। फोटो की तरह दिख रहा है दया, इसका मतलब जानते हो ये आदमी यही है। व्हाट क्या ये मैंने क्या देख लिया भाई, ओ शिट डूड, आई हैव टू सी दिस अगेन। ओके एक सेकंड भाई, परफेक्ट टाइम पे पॉज मारना। ओ माय गॉड भाई तालियां। ये हमने गाइस ये आज की हमारी पहली क्लिप थी भाई, द नॉट अ टाइप की, ब्रो दिस इज सो गुड यार, ये एनिमेशन तो फनी है ये, बट ये जो स्क्रिप्ट है ना भाई बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। बेचारी बहू ऊपर से गिर रही है, सीधा बच्चा ही बाहर निकल गया इसका। दैट वाज नाइस डूड, नाइस नाइस वन। पापा ये कहां गए, ये
टार्ज़न द वंडर कार ने वेट अ सेकंड, इस कार्टून का नाम क्या था? मैं इसका नाम भूल गया यार, बेन 10 ब्रो। जब तो मैं बचपन में इस बेन 10 को देखता रहा, मेरे को लगता रहा भाई मुझे भी ऐसी एक इतनी बड़ी सी घड़ी चाहिए, उसको घुमाएंगे और हम भी एलियन बन जाएंगे। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, इतनी नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन होती थी बचपन में, और इस टाइप की ना बड़ी बड़ी घड़ियां पहनने का बड़ा शौक होता था उस टाइम पे। इसी शो को देख के बनता हूँ, लगता है हम इंडियन बेन 10 वर्ल्ड में आ गए हैं। तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है, बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं, विमल अजय देवगन हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। एक सेकंड रुको, मैंने एक डिटेल यहाँ पे अभी नोटिस करी, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। विमल का नाम विमला लिखा हुआ है, नाइस वन। ये चड्डी में क्यों आया हुआ भाई? हेलो अजय देव, चड्डी में क्यों आया हुआ यार? पैंट पहना तो बेचारे का यार। विमल स्पेशल। अरे अरे नहीं, गले फंस गया, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। ये रोहित है। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट धुबा केसरी तू। अल्टीमेट धुबा केसरी, ओ भाई साहब यार क्या डायलॉग है भाई। ये क्या डायलॉग है, तगड़े एकदम। बोलो सुबह केसरी। ओ नाइस वन यार भाई, क्या ही एनीमे बनाया हुआ भाई ये बंदा। अपना खुद का एनीमे बना के एक शो चला सकता टीवी पे, और वो कार्टून बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ 100%। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाप। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट अच्छा है। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा, जा तू जा, जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। धूप धूप कपाल भाती। What the hell भाई, ये अब पर रामदेव को पूरा का पूरा बुढ़ा क्यों बना दिया यार? फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। पतंजलि में मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट बूम। यार भाई यार कुछ भी बोलो भाई, मैं स्पीचलेस हूँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं आई एम स्पीचलेस लिटरली। बहुत अच्छा। तुम लोग को पता है जब बचपन में टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं क्राइम पेट्रोल लगा लेता था। एक प्यारी सुबह हो रही होती है, कोई डोकरा मस्त बालकनी में बैठ के चाय टोस्ट दबा रहा होता है, और तभी दो दाढ़ी वाले लौंडे आके उन्हें मार देते हैं। किसको मजा नहीं आएगा ये देखने में? अब अगर तुमने क्राइम पेट्रोल कभी देखा है तो तुम्हें पता होगा इनके पास एक्टिंग करवाने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक गंदी शक्ल का आदमी जो हमेशा क्राइम करने वाला बनेगा। पिछले एपिसोड में मैं बच्चे उठाने वाला बना था, इस एपिसोड में एसिड फेंकने वाला बन जाता हूँ। पर बात तो सही है भाई, देखो क्राइम पेट्रोल वालों के पास ना एक्चुअली में कम बंदे होते हैं, ठीक है ना? और तुम लोगों को जब तुम उस शो को देख रहे होते, लाइक अगर तुम उसके रेगुलर कस्टमर लाइक हमेशा देखते हो, तो तुम्हें पहले ही पता होता है कि साला यही है, इसी ने कुछ ना कुछ कांड किया होगा, लास्ट में वही निकलता है, वही है दो चार एक्टर। कामचोर पुलिस का ग्रुप जिनका काम बस। अजी हेलो, अरे हमारा चोर गांव छोड़ के भाग गया है, आपके उधर आया होगा तो जरा पकड़ लीजिएगा। यही होता भाई हमेशा, यही होता 100%। मिन्नू चल खस्ते वाले को चमकाएंगे। कुछ भाड़े के एक्टर्स जिनका काम बस चोर का घर किधर है वो बताना है। अरे सुनो तुम इसे जानते? उधर रहता है, उधर। पुलिस के पूछने से पहले इशारा कर दिया, इतनी गंदी एक्टिंग। और लास्ट में हमारे अनूप सोनी, इनका होना ना बहुत जरूरी है। सावधान रहे सेक्सी रहे, ये नहीं तो शो नहीं। सावधान रहे सेक्सी। बस भाई बस हो गया। क्राइम पेट्रोल में चोर हमेशा कोई फुद्दू सा रीजन देगा किसी को मारने का। चल बता तूने उसे क्यों मारा? उसने मेरे गाठिये खा लिए थे। तो तूने क्लोरोफॉर्म सुंघा के ही मार दिया उसे? या फिर चल बता तूने उसे क्यों मारा? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अबे तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्यों मारा तूने उसे? मैं कांपे हूँ, मेरी गोलियों का टाइम हो रहा है, मुझे ब्रेन डैमेज। भाई पर एक बात तो यार, इसमें ऐसे सच्चाई बताई यार, सही बात है। मैं खुद गाइज ये जो शो था ना क्राइम पेट्रोल, और भी एक आधे थे मतलब दस्तक दुस्तक करके, बहुत देखता रहा। आई डोंट नो व्हाई बट बहुत से भी था। CID तो मैं इतना देखता रहा सुबह से लेकर शाम तक, और मतलब
मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए थे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। दो चार एक्टर सही में ऐसा ही होता रहा साथ में, पुलिस जा रही है, ये बंदा आपने कहीं देखा, हाँ वहां रहता है, सच में ही ऐसा होता रहा भाई, एकदम रियलिटी दिखाई है भाई इस बंदे ने, वेरी नाइस। मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट कनपट्टी के नीचे देसंटी। देसंटी भाई साहब, हमारा टाइम देखो, आज के टाइम पे देखो तुम लोगों को, तो अगर तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो तो भाई तुम लोगों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा टीचर्स, ऐसा ही होता है, नहीं उठाएंगे भाई, कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन वगैरह भी हो सकती है। बट हमारे टाइम पर होता रहा ना, जब मैं स्कूल में था, हमारे टाइम से कई साल पहले, कुछ साल पहले, मतलब बहुत कई साल, मैंने बुढ़ा नहीं हूं मैं इतना, तो टीचर्स जब मारते थे तो पेरेंट्स पता क्या बोलते थे, बेटा और मारो सर इसको, इसको और मारो। तो भाई मेरे को एक बार सर ने पता कैसे मारा था, दे थप्पड़, दे घुसा, पेट में मारा घुसा एक, आराम से मारा मतलब, और मैं ऐसा झुका तो ये नहीं, ये चॉप्स मेरी गर्दन में मारा, वो इतना जोर का लगा कि मेरा मतलब रोड़ा निकल गया, एंड आई वाज क्राइंग, और टीचर की फट गई उस टाइम, बाय द वे ये भी हुआ था। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है, मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है, मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था, एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। यार क्या हंसी है ये, मुझे ओ यार। पर हमारे स्कूल में जो फीमेल टीचर्स होती थी गाइस, वो में से आई थिंक एक ही मैम थी हमारी जो हमको बहुत मारती थी, है ना, अब उनका नाम नहीं लूंगा ना उनका बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है ना, गलती से उनका बच्चा मुझे देख रहा होगा तो बड़ा बुरा मान सकता भाई, ठीक है ना, बट द थिंग इज कि वो मैडम हमको बहुत ज्यादा मारती थी और उनसे इतना डर लगता रहा भाई। बाकी हमारी दो तीन मैडम्स और थी फीमेल टीचर्स, उनसे डर बिल्कुल नहीं लगता था, काफी अच्छी थी वो मतलब, और मेल टीचर्स तो ऑलमोस्ट सारे थे जिनसे बहुत डर लगता। टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो, रुको जरा लिखिए FADAR, लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है, फादर, काट दीजिए गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स, तुम्हारे स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है, और ये हाथ में क्या है, ब्रेसलेट, फैशन करने आए हो इधर, मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ, जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो, जलवा फैशन का है ये जलवा। अरे रवि सर ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ, हिंदी। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये भी एकदम सही बात है, कोई ना कोई एक टीचर ऐसा जरूर निकलता है जिसको ना हर एक चीज से दिक्कत होती है, आपकी बाकियों की नहीं। जब मैं 12th क्लास में था ना, तो मेरे टीचर आए थे नए नए, लास्ट क्लास में आए थे, वो देख रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे शायद से। और भाई तुम लोग ये मान के चल लो, चार लोग हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर भाग रहे हैं, हम कुत्ते की तरह भाग रहे, उसने पता नहीं क्या, हम लोग भाग भाग के लाइब्रेरी जा रहे थे ना, तीन वहीं के थे, मैं थोड़ा दूर से आता रहा, तो भाई उसे तीन को छोड़ के मुझे मारा अकेला, मुझे दो तीन थप्पड़ थप्पड़ा, ज्यादा नहीं जोर से बट मारा, ठीक है ना, पूरी क्लास शोर करे, मुझे अकेला के मारा। आखिरी दिन स्कूल का, आखिरी एग्जाम स्कूल का, कभी स्कूल नहीं आना, मेरे बाल लंबे थे उस टाइम पे, मेरे को लगा क्या फर्क पड़ता है राइट, कॉलेज जाना अब तो लंबे बाल रखने हैं, उसने मुझे उस दिन भी पीटा कि तू लंबे बाल रखे क्यों आया स्कूल, अरे भाई आज लास्ट एग्जाम है छोड़ दे मेरे को, बट नहीं खैर छोड़ो, इतना बोलना नहीं चाहिए टीचर्स के बारे में, मतलब अच्छे तो थे वो बट मेरे को पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट भाई, क्योंकि मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत साजिश रची भाई, मेरे को मारता रहो यार, मेरे को पसंद नहीं था। पढ़ाने वाला टीचर, हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़ा अच्छे इंसान है, सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको, बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कभी क्या कर रहा है यार ये कालिदास, पिताई लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास ये वाली कविता सुन जरा, ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। ये क्या है भाई, बहुत अच्छा है भाई, डाल दे इसको 10वीं कक्षा की। ओह गाइस सब्सक्राइब, बाय द वे सब्सक्राइब करो मुझे भी और उनको जाकर भी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स वाला टीचर, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी, इसको देखना, डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल। स्पोर्ट्स वाला टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के दो काम होते हैं, पहला असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना, दूसरा गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते, जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना उसी दिन ये एब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना वो समोसे बनाने वाले जैसा था, ना ही उससे भागते बनता है ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। पर भाई एक बात यार, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर वगैरह थे जितने भी स्कूल में चेंज किए, बड़े फिट थे,
बट उन सबकी ये बात जरूर थी कि मान लो आज हमारा फाइनली एक पीटी का डे है जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स या तो कुछ है, बंदा उस दिन नहीं आएगा। सच में ही नहीं आते रहे भाई, पता नहीं क्या आता रहा उनको यार, काम चोरी करनी होती थी। मतलब कभी कभी होता रहा, मतलब हर बार भी नहीं होता रहा, ऐसी बात है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम्स पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है क्यों, जब बच्चों को देना ही नहीं है। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे बेटा ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो, अच्छा चलो मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको, अरे फेंको फेंको। और इधर हमने कुछ गलती से मांग लिया। सर वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या? आ गए फिर से भिखारी, ये लो। सर इसमें तो हवा ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी तो हवा है, ये देखो। अरे तुम लोग यार मुंह से भर लो हवा। मैथ्स नहीं भाई, नहीं भाई, भाई बहुत ट्रू। मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आ गए भाई इस वीडियो को देख के, सच बता रहा हूँ मैं। स्पोर्ट्स के हमारा रूम होता रहा, वहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान होता रहा, पर हम जाएंगे सर वॉलीबॉल चाहिए, नहीं है वॉलीबॉल, टाइम नहीं, हवा नहीं है उसके, या तो झूठ बोल देंगे या तो देना नहीं चाहते हैं। तो भाई रखा ही क्यों है जब देना ही नहीं है, तो कभी भी नहीं मिलता था। मान लो अभी हमारा है स्पोर्ट्स पीरियड, ठीक है ना, और हम जाएंगे कि सर हमें चाहिए बैट एंड बॉल। बैट बॉल यहाँ पर कहाँ खेलोगे, बॉल भाग चल जाएगी, चीजा फट जाएगा। अबे तो रखा क्यों है स्कूल में, जब देना ही नहीं है तो मना मत लाओ ना, पैसे क्यों खर्च रहे हो स्कूल के, राइट? हमेशा कोई ना कोई बहाना मारते रहे और फिर हम लोग वही खेल रहे होते, लाइक खो खो खेल रहे होते रहे, या तो फिर लाइक साइड में बैठ के ताड़ रहे होते थे। तो बाकी तो सब वाला टीचर, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था, और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। भाई मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मेरे को बहुत अच्छा लगता। हाँ बेटा यू बता जरा, ये टू को अंदर इंटू करू की ब्रैकेट खोलू कि पीछे वाला टू बाहर आके इंटू हो जाएगा। हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। ओके गाइस, गाइस यार मतलब मजा आ गया इस वीडियो को देखे गाइस। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, एंड ऐसी टाइप की मैं और आई थिंक अभी फ्यूचर में और मैं नॉट टाइप की कोई और क्लिप्स निकाल के लाइक उस पर कंपाइल करके उस पर रिएक्शन जरूर देने वाला हूँ, बिकॉज मुझे भाई ये बहुत ज्यादा पसंद है बंदा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, इनके भी और मेरे भी, ठीक है ना भाई। और या गाइस मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धास वीडियो में, तो सब गाइस बाय।